अयोध्या में लोकसभा चुनाव के बीच योगी सरकार अचानक माफिया डॉन के तौर पर बदनाम। समाजवादी पार्टी के पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर मेहरबान होती नजर आ रही है। योगी सरकार ने बरेली जेल में बंद अतीक अहमद की जेल बदलने का फैसला लिया है। उन्हें बरेली जेल से प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाएगा। योगी सरकार के इस फैसले पर चुनाव आयोग ने भी सहमति दे दी है। आयोग की मंजूरी मिलने के बाद ही जेल स्थानांतरण का आदेश जारी हुआ है। आपको बता दें कि प्रयागराज अतीक अहमद का गृह जिला भी है। अतीक अहमद दिसंबर 2016 में हुई मारपीट और बवाल में फंस गए थे और 2017 से जेल में बंद है। अतीक पर योगी सरकार की मेहरबानी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि फूलपुर सीट से अतीक अहमद निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी सरकार उनका सहयोग करेगी। अतीक अहमद के चुनाव लड़ने से सीधे तौर पर मुस्लिम वोटों के बंटवारे से बीजेपी को फायदा होने की उम्मीद है। अतीक अहमद को शनिवार बरेली से नैनी सेंट्रल जेल में ट्रांसफर किया जाएगा। दरअसल 2018 में फूलपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी अतीक अहमद ने देवरिया जेल से चुनाव लड़ा था और उन्हें 50,000 वोट भी मिले थे। अब देखना यही होगा कि इस बार के चुनाव का हिस्सा वो बन पाएंगे या नहीं और बीजेपी को इससे कोई फायदा होगा या नहीं। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहे हैं न्यूज़ इंडिया से। धन्यवाद।